दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेपन के जीएमटी का। जीएमटी में अभी आपको कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसके रैंकिंग आपको 70 नंबर पे देखने को मिलती है। प्राइस की बात करें 0.82 के रेंज में है। 7.6% का अपसाइड मूवमेंट है यहाँ पे। अगर हम इसके 24 आवर का फ्लक्चुएशन देखें तो ये 0.76 से लेके 0.87 तक आपको देखने को मिलता है। मार्केट कैप यहाँ देखिए 497 मिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको 366 मिलियन देखने को मिलती है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 600 मिलियन देखने को मिलता है। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई आपको 6 बिलियन देखने को मिलता है। जितनी इसकी टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई है उसका सिर्फ यहाँ पे 10% जो कॉइन्स है वो मार्केट में अभी सर्कुलेट करे गए हैं। बाकी आपको जो इसके व्हाइट पेपर में डिटेल मिल जाएगी कब कब इनके कॉइन्स की कितनी रिलीजिंग होगी मार्केट में। अब देखिए, अगर हम इसके प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो आपको एक बॉटम जोन के बाद यहाँ अच्छा खासा एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा और दोबारा से प्राइस अपने प्रीवियस स्टेज में आ रहा है। अगर इसके हम एक्सचेंज की बात करें तो आपको बहुत सारे एक्सचेंज पे इसकी जो लिस्टिंग है वो देखने को मिलती है। जिस मर्जी एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इसकी इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप यहाँ विजिट करके इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। जब आप इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आएंगे तो आप यहां देख सकते हैं वेरीफाइड इनका पेज देखने को मिलता है। 634 की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इनके साथ। और जो मैं यहां पे मेन अपडेट दिखाने की जो कोशिश कर रहा था आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। एक डिस्कशन ग्रुप चल रहा है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जो इनका NFT है, जेनेसिस का NFT, उसको आप यहां विन कर सकते हैं। अब देखिए, यहां अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, तो सोलाना के बेस पे ये देख सकते हैं आप सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है आपको ये देखने को मिलता है इनका स्टेपन का जो नवा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आया है। तो ये कुछ अपडेट है, जैसे जैसे इनका जो एक्सचेंज यहाँ पे ग्रो करेगा वैसे वैसे जो इसका प्राइस है वो भी यहाँ पे ग्रो करेगा। तो देखिए, जो भी मार्केट के अपडेट आते हैं आप उसको देखे तभी आप यहाँ किसी भी कॉइन में अपनी एंट्री बनाए तो आप यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, दिखाता हूँ कैसे जो मूवमेंट है अभी स्टेपन में देखने को मिलता है, किस जोन में हमारी एंट्री हो सकती है, क्या कुछ हमें यहाँ टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्त, आप देख सकते हैं अब हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे। हम GMT का पेयर देखे USDT के साथ। हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ देखिये, ये जो जोन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है हमारे मूविंग एवरेज का। तो क्रॉस ओवर के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है कि जो प्राइस है वो किस साइड में जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं जो हमारा 21 का मूविंग एवरेज है वो आपको डाउन साइड में देखने को मिल रहा है, मतलब प्राइस यहां डंप होगा। और अगर हम यहां दूसरे इंडिकेटर की बात करें तो देखिए, जब प्राइस डंप होता है तो आपको कंटिन्यूसली यहां पे बेयर फ्लैग के जो पैटर्न है वो बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी बेयर फ्लैग बना है, यहाँ पे भी बेयर फ्लैग बना है और यहाँ पे भी देखिए आपको बेयर फ्लैग का जो फॉर्मेशन है वो होता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब ऑल ओवर यहाँ जो प्राइस है वो डंप होगा। अब इसके साथ अगर आप देखेंगे जो हमारा 55 का मूविंग एवरेज है वो अभी अपसाइड में है। तो इसके साथ ही हम इसका भी देख लेते हैं कि अगर ये अपसाइड में है हमारे पास्ट में तो कैसा जो आपको मूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जोन में भी देखिए, जब हमारा 21 का मूविंग एवरेज डाउन साइड में था, हमारा 55 का जो मूविंग एवरेज है अपसाइड में था, पर थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे भी डंपिंग देखने को मिली। तो ये कुछ मूवमेंट है कि हिस्ट्री में जैसा रिपीट हुआ है वैसा ही कुछ मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ होगा क्या, जो हमारा 55 का मूविंग एवरेज है थोड़ा आगे जाके यहाँ डंपिंग दे देगा। और अगर आप इसका रिकॉर्ड भी देखेंगे जैसे फ्लैग कैसे बनते हैं, तो आप यहां देखेंगे जब प्राइस यहां गिरना स्टार्ट हुआ है तो आपको यहां जो बेयर फ्लैग बनते हुए देखने को मिलेंगे, इसी को हम बोलते हैं बेयर फ्लैग का पैटर्न। तो अगर आपको नहीं पता बेयर फ्लैग कैसे होते हैं तो आप इस पैटर्न को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको रेड कैंडल के बाद जो ये अपसाइड की कैंडल देखना है ये आपको ग्रीन देखने को मिलती है, और उसके बाद आपको जो बड़ी कैंडल है दो आपको जो कैंडल है रेड देखने को मिलेंगी, और जो बीच वाली कैंडल होती है वो आपको यहाँ ग्रीन देखने को मिलेंगी। तो यही पैटर्न होता है बेयर फ्लैग का। अगर इसके साथ हम बुल फ्लैग का बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो रेड कैंडल बीच में देखने को मिलेंगी, और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बीच में देखने को मिल रही है, वैसे ही आपको यहाँ जो रेड कैंडल है वो बीच में देखने को मिलेगी। और जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रीन कैंडल है ये अपसाइड में गई हुई है और रेड कैंडल आपको यहाँ डाउन साइड में देखने को मिलेंगी। तो ये होता है फ्लैग का पैटर्न। और हमेशा देखिए, कोई भी जब प्राइस यहाँ राइज करता है तो उसमें आपको यहाँ बुल फ्लैग का जो पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलता है, और जैसे डंपिंग स्टार्ट होती है तो आपको यहाँ पे बेयर फ्लैग का जो पैटर्न है बनता हुआ देखने को मिलता है। जो भी यहाँ पे पैटर्न होते हैं धीरे धीरे आप उसको रिमाइंड करने की कोशिश करें, 2-4 ही पैटर्न होते हैं, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा रहेगा किसी भी ट्रेड में। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें आपकी एंट्री जोन का, तो आपकी एंट्री जोन होगी जब इसका प्राइस इस जोन में आएगा, बॉटम जोन में, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको सेम बाइंग जोन दिया था
और दोबारा से भी अगर आप यहाँ एंट्री बनाना चाहते हैं तो आप वेट करें, जब प्राइस इसी जोन में आएगा तब हम यहाँ अपनी एंट्री बनाएंगे, और जैसे प्राइस यहाँ से अपसाइड में जाएगा हम अपना 20% 25% प्रॉफिट बुक करके और एग्जिट कर जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए देखें एंट्री हमें और भी बॉटम जोन में मिल जाएगा। धीरे धीरे जो जीएमटी का प्राइस है वो देखिए राइज करेगा, क्योंकि जो इसका डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है उसका यूज केस अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जब इसके एक्सचेंज का यूज केस यहाँ बढ़ेगा तब इसके टोकन का भी जो प्राइस है वो अपसाइड में जा सकता है यहाँ पे। तो दोस्त होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी वीडियोज अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।